लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। डूब मरो सबके सब कहीं जाकर, डूब मरो। 6 आदमी एक नेहती औरत को नहीं मार सके, शर्म करो ए, शर्म करो। सेठ जी, वो हुंडा गौरी शंकर आ गया, वरना जानकी को तो हम मार ही चुके थे। हाँ सेठ जी, जानकी को मार ही चुके थे। चुप गौतम, चूड़ियां पहन लो तुम लोग। भाई साहब, हम ठहरे गांव के आदमी, हमें ज्यादा अकल का। अब आप ही कहो हमें क्या करना है। तुम लोग कुछ नहीं करोगे, अब जो कुछ भी करना होगा वो मैं करूंगा। मैं जानकी, तुझे तो मैं खुद ही बाहर आकर खत्म करूंगा। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। जानकी देवी, 10-15 दिन अभी और आपको हमारी देखरेख में रहना पड़ेगा। अरे काहे कंजूसी कर रहे हो डॉक्टर, 2-4 महीने और कहो। 2-4 महीने ना बाबा। जानकी देवी, जानकी देवी। क्या बात है रघु? बस्सी के मकान तोड़ने के लिए आए गए हैं म्युनिसिपैलिटी वाले बुलडोजर लेके। रिहाई मुबारक हो सेठ जी। मुबारकबाद उस दिन देना बंसी, जिस दिन मैं जानकी को इस दुनिया से रिहा कर दूंगा। हाँ, तो हम चांद पर अपना घर बनाएंगे और फिर जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो ए, रुक 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 रुक, क्या हुआ दादा? अरे ये तो अपनी खुशबू लगाता है, साथ में ये छोरा कौन? भावरा। ये गोरा गोरा छोरा तू है, भौरा लगत है, है? हम खुद ही पता करत है। खुशबू बिटिया, क्या हुआ? लगता है मेरे अंकल आ गए। अब मैं क्या करूं? तुम जाओ, छुप जाओ झाड़ियों के पीछे, जाओ जाओ जाओ। अरे कैसी हो खुशबू बिटिया? मैं ठीक हूँ अंकल। आप अकेले आए हैं या मम्मी भी आई है? अरे वो के पास बकत हो तब ना है, वो तो सारा दिन जनता की सेवा में ही लगी रहते है। अरे गोरा गोरा छोकरा कौन था तुरे सा? कौन अंकल, मैं तो यहाँ अकेली हूँ। अकेली? हाँ। अंकल आप क्या ढूंढ रहे हैं? भूत। भूत? ये क्या कह रहे हैं अंकल? अरे जो पलक झपकते ही गायब हो जाए वो भूत ही तो है ना, तू फिकर मत कर, हम उसका ढूंढ लेंगे। अंकल वहाँ झाड़ियों के पीछे कोई भूत नहीं है। अरे तू फिकर मत कर, आज हम उसका साक्षात दर्शन करके ही जाएंगे। तो भूत नहीं, हमारी तरह मानुष है। अरे इतने लंबे चौड़े तगड़े खूबसूरत नौजवान हो, ये बताओ हमसे डर के भाग कह रहे थे? मैं नहीं डरा था अंकल, ये खुशबू आपसे डरती है, इसीने तो मुझे कहा था कि झाड़ियों के पीछे छुप जाए। चुप रहे। और तुम मान गए? जिंदगी भर हमारी बिटिया की बात मानोगे? जी अंकल। का नाम है तुम्हार? जी मनीष खन्ना, बंबई में जो सिल्क मिल के मालिक है ना, जतिन खन्ना, उन्हीं का बेटा। अरे तब तो कोनो फिकर की बात नहीं है,
ये देखो भैया, हमारी तरफ से तो तुम दोनों की शादी पक्की। ये हमारी तरफ से मीठी मीठी बधाई। ये खुशखबरी तो हम जानकी को जरूर देंगे। ए, और सुनाओ, एक हफ्ते के बाद हम जानकी को साथ लेकर तुम्हें लेने आएंगे, तैयार रहना। अच्छा अंकल। क्या हो गया ये? भाई साहब, छुरी से मारने में बड़ी देर लग जाएगी। गोलियों से भून देते हैं कमीनी को। नहीं, बंदूक से तो ये फौरन मर जाएगी। मुझे इसके जिस्म का गरम गरम खून बूंद बूंद करके बहाना है, ताकि छुरे के हर वार पे ये चीखे, तड़पे, रहम की भीख मांगे। मालिक, अब ये औरत मामूली औरत नहीं रही है, अब ये चंडी बन गई है, महाकाली दुर्गा। जो भी से हाथ लगाएगा जलकर राख हो जाएगा। क्या पकता है बंसी? पक नहीं रहा मालिक। जानकी के चारों तरफ जनता के प्यार की ऐसी मजबूत दीवार है कि जो भी उससे टकराएगा अपना सर फोड़ेगा। तो तुम क्या चाहते हो, हम अपने अपमान को चुपचाप सह लें? बदले की आंख हमें चैन से जीने नहीं देगी। आप बदला ले सकते हैं, ऐसा बदला कि जानकी अपने आप बिना मौत मर जाएगी। कैसे? सेठ जी, जानकी की जिंदगी, उसकी आशाएं, उसकी सारी उम्मीदें, उसकी हर सांस अपनी इकलौती बेटी खुशबू के लिए है। खुशबू को बर्बाद कर दीजिए, जानकी मर जाएगी। खुशबू। गुड मॉर्निंग खुशबू। गुड मॉर्निंग मैम। बंबई से तुम्हारे अंकल आए हैं। आ गए, मम्मी भी होंगी साथ में। आप? हेलो खुशबू, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन तुम्हारी मम्मी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है। मेरा नाम गिरधारी लाल है। ओह, लेकिन मम्मी? तुम्हारी मम्मी किसी काम की वजह से नहीं आ सकी। ओह। और गौरी शंकर जी म्युनिसिपैलिटी की एक बहुत जरूरी मीटिंग में बिजी है। तुम्हारी मम्मी ने मुझे भेजा है तुम्हें मुंबई लाने के लिए। ओह। और हाँ, तुम्हारे लिए ये खत भी भेजा है। मैं चलती हूँ अंकल। नमस्ते। हेलो, मेरी मम्मी ने मुझे इनके साथ बंबई बुलाया है। देखिए मैम, जाओ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम, गुड बाय। ना ना, वो बैग मुझे दे दे, चलो। रघुआ, जरा जल्दी, खुशबू वहां इंतजार कर रही होगी। अच्छा ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपका भेजा हुआ आदमी खुशबू को लेकर गया है। मेरा भेजा हुआ? यस, ये लेटर दिया था ना आपने उसे। तेरी माँ को जब मालूम पड़ा होगा कि उसकी लाडली गिरधारी लाल के हाथों में है, तो बेचारी अब तो खौफ और सदमे से मर चुकी होगी। अफसोस तो इस बात का है कि तू अपनी माँ की चलती हुई चिता को नहीं देख सकेगी। चिता तो तेरी जलाएगी मेरी माँ। कालीचरण, ये तेरे भाई की बेटी है ना? अरे कौन जाने किसकी बेटी है, पता नहीं जानकी ने किस किस के साथ अपना मुंह काला किया है। रुको रघुआ, वो पापी यही है, रुको। अब मैं तुझे कच्ची कली नहीं रहने दूंगा। Thank you.
आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गौरी शंकर जरा देख यहां। भाई साहब को छोड़ दे गौरी शंकर, वरना तेरी जान की और खुशबू की लाशें भी छा देंगे। शाबाश शाबाश। अच्छा बड़ा प्यार है तुझे जान की और खुशबू से। हाँ पकड़ से और बांध दो शराम जादे को और जान की को, और इसकी इसकी लाडली खुशबू को मेरे पास लेकर आओ। छोड़ दो मेरी बच्ची को, मैं कहती हूँ छोड़ दो मेरी बच्ची को। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मेरी बच्ची को। खुशबू गिरधारी, मेरी बच्ची को जलील किया तो मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगी। छोड़ दो उसे कमीने। छोड़ दो? तूने मुझे छोड़ा था जानकी? सबीना के बलात्कार के झूठे इल्जाम में तूने मुझसे 7 साल जेल में पत्थर तोड़वाए हैं। उस बेइज्जती का बदला आज मैं तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी की इज्जत को लूट कर लूंगा। मम्मी, मम्मी, माँ दुर्गा, माँ चंडी, माँ काली, मैंने आज तक तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। ये राक्षस मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी की इज्जत लूट रहे हैं। आज मुझे शक्ति दे माँ, मुझे शक्ति दे कि मैं अपनी बेटी की इज्जत बचा सकूं। मुझे शक्ति दे माँ, शक्ति दे, शक्ति दे। मारने आई थी ना जानकी, अब तो अपनी लाडली बेटी को बर्तन देख।